लेकिन बकरा आपको तो मिलने पे हम कर गए थे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जी यहाँ पे हमारी ईद जो है वो स्टार्ट हो गई है और सुबह का टाइम है और हम लोग फर्स्ट जो है वो नमाज़ पढ़ने जाएंगे। तैयार श्यार हो गए थे और उसके बाद अब थोड़ा सा घर के बाहर जो है ना थोड़ा सा फ़ोटोशूट करा रहे थे। और इस बार जो है ज़्यादा मज़ा इस बात का है कि जो है ना मन्हा और मैंने जो है वो ड्रेस सेम पहना है। और वैसे सेम नहीं था लेकिन जो है ना वो कलर मैच हो गया और थोड़ा बहुत जो है वो डिज़ाइन भी मैच हो गया। तो मन्हा को बहुत शौक था कि हमारे एक जैसे कपड़े होने चाहिए, तो बाय चांस हमें जो है एक जैसे कपड़े मिल गए। और ब्लैक कलर तो हसन ने लिया और फिर उसके बाद मन्हा ने कहा मैंने भी ब्लैक कलर लेना है। और फिर उसके बाद मन्हा को ये था कि मैं और मामा जो है ना वो एक जैसी जो है वो मैचिंग करें, सेम हमारा ड्रेस होना चाहिए। और इसलिए देखें आप पिक्चर्स बना रहे थे, उसको यही था कि आप मेरे साथ खड़ी हो, हमने साथ हसन जो है दूसरी साइड पे जाए और हम एक साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनवाएं। तो वो हम पिक्चर्स बनवा रहे थे और फिर उसके बाद अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रात को मेला था, हम मेले से वापस 1 बजे आए, चांद रात मेला जो होता है फेस्टिवल। तो फिर बच्चे लेट उठे और 11:30 एक लास्ट जो है नमाज का टाइम था मस्जिद में। तो हमने कहा चलो उसको जो है ना कैच करने की कोशिश करते हैं। हमारे घर सालमज 30-40 मिनट्स की ड्राइव पे थी वो मॉस्क, लेकिन हम ट्राई कर रहे थे कि वो जो है ना हमें मिल जाए टाइम और हम 11:30 वाली जो है ना वो नमाज जो है वो पढ़ लें ईद की। तो बहरहाल वो भी हमसे जो है वो नहीं पढ़ी गई। जब हम पहुंचे थे ऑलरेडी जो है वो हो चुकी थी जमात वगैरह और नमाज हो चुकी थी, तो वो भी हमसे मिस हो गई और वो लास्ट ही थी, उसके बाद थी नहीं। बरल हस्बैंड ने तो पहले ही पढ़ ली थी सुबह ही, लेकिन बच्चों का था, मुझे यही था कि जो पता नहीं बच्चे उठते हैं कि नहीं उठते, बहुत ही लेट जो सोए थे रात को 1 बजे। तो वो हस्बैंड तो पढ़ रहे थे, मैंने कहा चलो शुक्र है उन्होंने तो पढ़ ली। तो बाकी यहाँ पे जो अमेरिका में और तो कुछ होता नहीं है, बकरे वगैरह बकरा ही तो होती है और होती भी बकरों से ही अब कुर्बानी से और इस तरह। तो यहाँ पे बस यही होता है कि जो है नमाज पढ़ लेते हैं वो थोड़ा सा फीलिंग ईद वाली आ जाती है। लेडीज़ के लिए भी एहतमाम होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है लेडीज़ का भी, क्योंकि यहाँ पे वही सारी फैमिली इकट्ठी जाती है तो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज के बाद जो है बस कोई अगर हो एक दूसरे के घरों में जाते हैं, और यहाँ पर ईद का यही होता है। तो यह मॉस्क के अंदर आए थे और फिर हम कहा चलो थोड़ा सा जो है वो देखते हैं। और लोग तैयार श्यार हो के आते हैं जब नमाज़ पढ़ने आते हैं सुबह, बच्चे भी सारे जो हैं। और ये जो है वो यहाँ पे यही फ़न होता है कि आपस में मिल लेते हैं। इस अच्छा नमाज के बाद जो है वो लोग बाहर निकलकर पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं और सारी फैमिली इकट्ठे हो के, यही फ़न है यहाँ पे। और यहाँ पे भी यही हो रहा था, सारी फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठी हो के पिक्चर्स बनवा रहे थे। और कई दफ़ा ये होता है कि कई अरेंजमेंट्स भी होते हैं, जिस तरह फेस्टिवल्स होते हैं ईद के भी होते हैं, उसमें बारबेक्यू वगैरह होता है, मॉस्क जो है डिफरेंट उनकी तरफ से भी होता है कि पार्टी होती है, ईद की पार्टी होती है, तो उसमें फ़न किया जा सकता है। वो भी यही होता है कि जिस तरह सैटरडे संडे हो जो छुट्टी वाले दिन हो उसमें अरेंज किया जाता है। अभी ये जो है वीक डेज़ में ईद आई है तो इस वजह से कई लोग जो है जॉब्स पर भी जाते हैं, कई जो है यही ज़ाहिर बात है बकरे तो है नहीं यहाँ पर कि आपने वो कुर्बानी करनी है। और बच्चों ने तो देखे ही नहीं बकरे, बल्कि मन्हा देख कह रही थी कि जो है ना मैंने बकरा देखना है कैसे होता है क्या होता है। अब उसको बताया कि बकरा ईद होती है, बकरे होते हैं, बकरों को ज़िबा वगैरह करते हैं, तो ये सारा कुछ उसे बता रही थी। तो वो बच्चों का दिल कर रहा था कि देखें बकरे वगैरह। तो खैर वो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बनाएंगे प्लान बाकायदा तौर पर, जहाँ पर जो है बकरे हलाल वगैरह होते हैं, जाके यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है।
तो बहरहाल फिर हम लोग नमाज पढ़ के आ गए थे मनहर हसन की कज़न के घर पे, वहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया जो आपके साथ पिक्चर शेयर की, और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे चाट वगैरह खाई घर में, ईद पे यही चाट और समोसे पकौड़े वगैरह यही सारा कुछ होता है, तो ये सब कुछ खाया। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो खाना खाने आ गए, ईद थी तो ईद में जो है ना हम लोग यहाँ पे आए रेस्टोरेंट में, और यहाँ के रेस्टोरेंट में फिर हमने कहा चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। वैसे बकरा ईद तो होती है ना, बकरा जब ईद होती है और सुबह सुबह जो है पहले तो आप कसाई के पीछे भागते हैं, वहाँ पाकिस्तान में जो फ़न होता था ईद का तो वो तो भूल ही नहीं सकते ना, सुबह सुबह जो है सही हंगामा स्टार्ट हो जाता था, जो आदमी होते हैं वो कसाई के पीछे भागना स्टार्ट हो जाते हैं और लेडीज़ स्टार्ट हो जाती हैं तैयारी किचन में करना, गर्म कलेजी आए गर्मा गर्म वो रेडी करें, नाश्ते में कलेजियाँ खाई जाती हैं, और फिर उसके बाद बाकी जो है नमकीन कढ़ाई ये वो सारा एडवेंचर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे आपकी बोरिंग ईद होती है। तो ये बोर ईद होती है बकरा ईद तो ख़ास तौर पे मुझे याद है, खैर मैं तो इतना गोश्त तो खाया ही नहीं, मैंने कभी भी नहीं खाया बकरा ईद पे गोश्त, बल्कि जो है ना मैं उस दिन जिस दिन बकरा ईद होती थी ना मैं किचन में ही नहीं जाती थी, वो जो एक होती है ना स्मेल सी होती है ख़ास कुर्बानी के गोश्त की, मुझे वही नहीं बर्दाश्त होती थी और मैं खाती नहीं थी, मीट शुरू से ही नहीं खाया था, बल्कि मैं जो है ना वो अपना याद कर रही थी कि बकरा ईद होती थी तो मैं अपनी जो है ना सुबह सुबह आलू की भुजिया बना के ना तो वो मैं खाती थी नाश्ते में, कि इससे पहले कि जो है ना वो सारा कुर्बानी का गोश्त किचन में आए मैं पहले ही अपना जो है वो बना के खा लूँ। तो मेरी तो ईद यही होती थी कि आलू वगैरह खा के, खैर खाने के लिहाज से मुझे ईद का इतना नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वरना जो शौकीन होते हैं ना कलेजियाँ गोश्त उठ के उन बेचारों को तो ज़ाहिर बात है इधर फ़र्क पड़ेगा, लोग वैसे घर में भी तो बना लेते हैं कलेजी बना लेते हैं गोश्त वगैरह बना लेते हैं और वो एक ईद की फीलिंग ले आते हैं। तो बहरहाल ईद वाला दिन हमारा तो ये होता है कि ईद वाले दिन जो है वो फुल फन करें, बाहर घूमें फिरें, फिर खाना भी बाहर खाएं, तो ये एक होता है क्योंकि यहाँ पे आपने हर काम खुद करना होता है, उसमें ये होता है कि चलो वो डे जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स गुजरे और सही ईद की फीलिंग आए, तैयार श्यार होकर घूमें फिरें। तो यही हम फिर खाना खाने यहाँ पे आए सारे इकट्ठे होके फैमिली हमारी सारी, और बच्चों का फिर यही होता है कि फ्रेंड्स कज़न्स के साथ जो है ना इन्होंने फ़न करना होता है, इनकी तो मेन ईद ही यही होती है कि हम फ़न करें। तो हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था, हमारा खाना आ गया था, फिर हम खाना खाने लगे थे अभी, और यही हमारा ईद का जो है वो खाना था। ईद पे हम लोगों ने वो चलो गोश्त की जो कमी थी ना उसको हमने ऐसे पूरा किया कि वो सारा मीट शीट मंगवा के और मीट खाया। तो ये जो है ये हमारी बकरा ईद जो है वो हमने ऐसे सेलिब्रेट की, और डिफरेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की और बाहर के मुल्क में जो भी रहते हैं उनकी बकरा ईद का, और यानी वैसे दूसरी ईद पे तो इतना शायद फील ना होता हो पाकिस्तान का, लेकिन बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा फील होता है कि आप जो है वो सही जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको मिस करते हैं, तो वो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मिस की। और तो बस हमने अपनी ईद जो है वो सुबह मॉस्क में जाके और फिर उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर करके बाहर खाना खा के ऐसे गुजारी। तो आई होप सो आप लोगों ने भी हमारे साथ जो है वीडियो को एंजॉय किया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।